वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सत संगत तुसी देख रहे हो दा पंजाब लाइव। पुराने समय की गल है, एक नगर दे विच किसान रहिंदा सी। एक दिन जदों ओ खेतां दे विचों काम करके वापस आपदे पिंड नूं परत रिहा हुंदा है तां रस्ते विच उसनूं एक बाज दा अंडा मिलदा है। ओ बाज दा अंडा चुकदा है, आपदे नाल घर लै आउंदा है। घर उसने एक मुर्गी रखी हुंदी है। उस मुर्गी ने बहुत सारे अंडे दित्ते सन। उन्हां अंडियां दे विचों उस मुर्गी ने बच्चे कढ़ने सन ते उन्हां अंडियां दे विच ही ओह उस अंडे नूं रख दिंदा है। थोड़े दिनां दे बाद मुर्गी दे अंडियां दे विचों बच्चे निकल आउंदे ने, भाव चूचे निकल आउंदे ने, ते नाल ही ओह बाज दा बच्चा वी अंडे विचों बाहर आ जांदा है। बाज दा बच्चा उन्हां चूचियां दे नाल पलन लगदा है, वड्डा होण लगदा है, उन्हां दे नाल खांदा पींदा सौंदा खेडदा फिरदा, हल्का हल्का उन्हां दे नाल उड्डन की कोशिश करदा। चूचियां दे नाल रहिंदे उस बाज दे बच्चे नूं कदी ये अहसास नहीं होया कि वह एक चूचा नहीं बल्कि बाज दा बच्चा है। वह खुद नूं उन्हां वर्गा ही समझदा रहा, हर काम उन्हां वांगू करदा, तुरदा उड्डदा चलदा फिरदा। जदों ज़्यादा उड्डन की वारी आई, भाव जदों थोड़े जे वड्डे होण लगे, वह देखदा कि वह थोड़ा उचाई तक ही उड़दे सन ते फिर वापस जमीन ते आ जांदे आपदे पफर मारदे हुए, आपदे पंख मारदे हुए। इसे तरीके नाल योग करदा, बिल्कुल उन्हां दी नकल दे विच उड़दा। जिन्ना को उड़दे उन्ना को उड़ के फिर धरती ते वापस आ जाया करदा। ना उन्हें कदी ज़्यादा उड़न की कोशिश की ते ना ही उन्हें यह महसूस होया कि वह ज़्यादा उड़न वाला पंछी है। एक दिन वह की देखता है कि उच्चे आसमान दे विच, उच्चे आकाश दे विच एक बाज उड़ रहा सी। इन्नी ज़्यादा उचाई ते उड़द्या देख के वह बड़ा हैरान होया ते उन्हें अचरज दे नाल आपदे दूजियां नूं नाल दियां नूं साथियां नूं पुछया कि भाई ये कौन है, इन्नी उचाई ते कौन उड़ रहा है, एक कैसा पंछी है। वह कहिंदे ये सारे पंछियों का राजा बाज है, ये सब तो वध उच्चा उड़ सकता है आकाश दे विच, कोई दूजा पंछी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो फिर वह अगला सवाल करता है, वह बच्चा बाज का, वह कहिंदा जे मैं इन्ना उच्चा उड़ना हो तो मैनू की करना पएगा। वह कहिंदे ये कैसियां गल्लां कर रहे हैं भलिया पंछिया, आपां उसकी बराबरी नहीं कर सकते, आपां उन्ना उच्चा नहीं उड़ सकते, बाज जिन्ना उच्चन दे आपां समर्थ नहीं, आपां होर कमां लई बणे आ, वह होर कम लई बणे आ, तू बस इन्हां दे विच मन परचावा कर लै जिन्ना तू उड़ सकता है, आपां भुल के भी इन्ना उच्चा नहीं उड़ सकते, तू इन्हां दे विच ही खुश रह जिन्ना तेरे कोल है। उस बाज दे बच्चे ने वह गल मन ली अते इस तो दुबारा कदे भी इन्ना उच्चा उड़न की कोशिश नहीं की। बाज होने के बावजूद भी उसने मुर्गी के जीवन वर्गा जीवन बतीत किया। हुण इस गल तो सानू की सिक्ख्या मिलती है, सानू इस गल तो यह सिक्ख्या लैनी चाहिए है कि सोच और दृष्टिकोण साढ़े जीवन के उत्ते बहुत गहरा प्रभाव पाते हैं। सानू आपदी क्षमता के मुताबिक, समर्था के मुताबिक, संभावना के हिसाब न चलना चाहिए है कि आप कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि जिहो जे लोगों के रेंदे हाँ जिन्ना को करते हैं असं उन्ना क करके ब्रेक मार लीए, सह लैन लग जाइए। हो सकता हरेक मनुख की क्षमता वक्री वक्री है, हो सकता तुसी कुछ वक्रा कर सकते हो उन्हां नाल, उन्हां दे विच अपनी कला है, उन्हां नूं परमात्मा ने आपदे वालों कुछ ज़्यादा दिता हो सकता है, तुहानूं कुछ आपदे वालों परमात्मा ने गॉड गिफ्ट कहिंदे ना जिहनूं, वह तुहानूं ज़्यादा दिता हो सकता आपदे वालों, तुहाडे विच कोई होर कला ज़्यादा हो सकती है। इसलिए किसी भी मनुख नूं वेख के कदे भी ये ना कहीए कि ये तो बहुत ज़्यादा साढ़े तों अगे लंघ गया, असीं तो शायद पिछे ही रह जावांगे, भाव किसी नूं वेख के जैलसी ना करो। जे उहदे विच कोई तुहाडे तों गुण ज़्यादा है तो हो सकता तुहाडे विच उहदे तों ज़्यादा कोई 100 गुण वध होवे। गल है आपां अपने आप नूं पुछिए, आपां अपने आप नूं चंगी तरह जाणीए कि साडा काम किहड़े काम दे विच असीं निपुण हाँ, किहड़ा काम असीं बहुत बेहतर तरीके नाल कर सकदे हाँ। कदी भी खुद नूं किसे तों घट ना समझिए, सब तो पहली गल आपदे दिमाग दे विच आपदे आप दे विच असीं उच्चे उठिए, फिर असी समाज दे विचों उच्चे उठांगे, तरक्कियां करांगे, कामयाब होवांगे। सो सब तो पहला आपां दिमाग दे उत्ते पाईआं जंजीरां तोड़ के अगे वधण दा हौसला करिए।